एक अल्लाह के वली जिनका नाम है हजरत बायजिद मुस्तफी रहमतुल्लाह अलैह, इनके जमाने में किसी का इंतकाल हो गया। इंतकाल होता है दुनिया से, हर इंसान जाता है, हर इंसान जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, दुनिया से हर इंसान जाता भी है जाएगा भी। तो उस जमाने के वली ने देखा ख्वाब में, जिसका इंतकाल हुआ था उस जमाने के वली ने ख्वाब में देखा कि उसकी मग़फ़िरत हो गई, अल्लाह ने उसको माफ कर दिया, अल्लाह ने उसे जन्नत तक पहुंचा दिया। तो उस वली कामिल ने पूछा, बताओ तो इसे तुम्हारी मग़फ़िरत की वजह क्या हुई है, अल्लाह ने तुम्हें कैसे माफ कर दिया, कौन सा अमल तुम्हें माफ करवाया, कौन से अमल की वजह से अल्लाह ने तुम्हें माफी दे दी और अल्लाह ने तुम्हें जन्नत तक पहुंचा दिया। तो उसने बड़ा अजीब जवाब दिया। क्या जवाब दिया कि एक मरतबा हमारे गांव में एक बहुत बड़े आलिम आए थे जिनका नाम है हजरत बायजिद मुस्तफी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े वली कामिल थे, बड़े आलिम थे। अब लोगों ने उनको अच्छे से अच्छा खिलाया भी, उनका अच्छे से अच्छा इकराम भी किया, उनके साथ बहुत से लोग थे, लेकिन मुझे उनसे मुसाफा करने का मौका न मिला और मैं गरीब था, मेरे पास कुछ था नहीं, मुझे खिलाने का भी मौका न मिला, मुझे इकराम करने का मौका न मिला। सिर्फ मैंने किसी ऊंची जगह तो समझ लो ना, किसी ऊंची जगह से चढ़कर उस अल्लाह के वली के, उस आलिम के चेहरे को मोहब्बत की नजर से देखा। जब कब्र में गया, अल्लाह ने फरमाया, मेरे बंदे तूने मेरे इल्म वाले को, तूने मेरे वली को मोहब्बत की नजर से देखा है, जब आज मैं भी तुझे मोहब्बत की नजर से देखने वाला हूं और तुझे जन्नत तक पहुंचाने वाला हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर कोई उलमा को मोहब्बत की नजर से देख ले, कोई अल्लाह वालों को मोहब्बत की नजर से देख ले, मोहब्बत की नजर से देखने का नतीजा ये होता है कि अल्लाह उसे जन्नत तक पहुंचा देता है। तो जो अच्छा सलूक करता होगा उसको अल्लाह कहां से कहां तक पहुंचाएगा। इसलिए देख लो, अल्लाह हम सबको तमाम उलमाए किराम की कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए, तमाम औलिया किराम की कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए।